असलम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लेट्स बिगन विद आर मैथ्स क्लास ओपन योर बुक्स पेज नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट हमने एक्सरसाइज वन बी क्वेश्चन नंबर सिक्स तक कम्प्लीट कर ली थी आज हम लोग क्वेश्चन नंबर एट सॉल्व करेंगे नाउ बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको कुछ बातें समझाऊँगी पहले हमने स्मॉलेस्ट एंड लार्जर नंबरस को डिस्कस करना है ठीक है हम लोग वन डिजिट नंबर्स से लेकर नाइन डिजिट नंबर्स तक डिस्कस करेंगे सबसे पहले वन डिजिट नंबर्स में देखें स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर होता है वन हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है वन से और स्मॉलेस्ट और सॉरी लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर होता है नाइन बिकॉज नाइन पे हमारे वन डिजिट नंबर्स एंड होते हैं ठीक है इस फिर हम लोग जब लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर में वन ऐड करते हैं तो हमारे पास स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर आ जाता है जो टेन होता है टू डिजिट नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं टेन से तो ये स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर है इसी तरह लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर नाइन्टी नाइन है क्योंकि नाइन्टी नाइन के बाद हमारे पास वन हंड्रेड आ जाता है ठीक है तो ऐसे ही चलते जाते हैं हमारे पास स्मॉलेस्ट जो नंबर्स होते हैं उसमें वन और जीरो इन्वॉल्व होते हैं और जो लार्जेस्ट होते हैं उनमें ओनली नाइन्स होते हैं ठीक है जैसे अगर लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर देखें तो हमारे पास फ़ोर नाइन्स होंगे उस नंबर में ठीक है तो वो लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर होगा ऐसे ही इसी तरह अगर देखा जाए सेवन डिजिट नंबर्स तो अगर हम लोग देखें वन के साथ सिक्स जीरोस पुट करने से हमारे पास सेवन डिजिट नंबर आ रहा है और ये स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर है ठीक है और लार्जेस्ट सेवन डिजिट नंबर क्या है जिसमें सेवन नाइन्स इन्वॉल्व हैं ठीक है थीके? इसी तरह एट डिजिट नंबर्स में देखो ये है हमारे पास स्मॉलेस्ट एट डिजिट नंबर और लार्जेस्ट में हमारे पास एट नाइन इन्वॉल्व हैं तो ये हमारे पास लार्जेस्ट एट डिजिट नंबर है नाइन डिजिट नंबर्स में भी ऐसे ही है हमारे पास वन एंड जीरोज़ इन्वॉल्व हों तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नाइन डिजिट नंबर आता है और अगर ओनली नाइन इन्वॉल्व हो हमारे पास पूरे नंबर में हर प्लेस पे नाइन आता हो तो वो लार्जेस्ट नाइन डिजिट नंबर होगा ठीक है अब मैं आपको एडिशन और सबट्रैक्शन के लिए कुछ टर्म्स जो हमारे स्टेटमेंट्स में यूज़ होती हैं वो बताऊँगी अगर हमारे पास स्टेटमेंट में लिखा हो ऐड या ऑल टुगेदर और मोर देन का वर्ड यूज़ हो इसका मतलब है हमने नंबर्स को ऐड करना है ठीक है अगर कहा हो ऐड वन हंड्रेड एंड टू हंड्रेड इसका मतलब है हमने दोनों को ऐड करना है ऑल टुगेदर का वर्ड यूज़ किया अगर उसने पूछा हो हाउ मनी वन हंड्रेड एंड टू हंड वन हंड्रेड एपल्स देर आर टू हंड्रेड एंड वन हंड्रेड मैंगोज ठीक है हाउ मैनी आर ऑल टुगेदर ऑल टुगेदर मीन्स इन दोनों को ऐड करना है ठीक है उसके बाद मोर देन मोर देन मीन्स फॉर एग्जाम्पल उसने कहा वन हंड्रेड मोर देन टू थाउजेंड इसका मतलब है टू थाउजेंड में हमने वन हंड्रेड ऐड करते रहे ठीक है इसी तरह सब्रैक्शन में डिफरेंस का वर्ड यूज़ होता है लेफ्ट का और लेस देन का ठीक है अगर ये तीनों वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं आपकी स्टेटमेंट में तो इसका मतलब है आपने सबट्रैक्ट करना है ठीक है अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं सॉल्व दीज सम्स यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ए पार्ट में देखो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एट डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर डिफरेंस का वर्ड आ गया मीन्स हमने सब्ट्रैक्ट करना है अब देखो मैंने आपको बताया ग्रेटेस्ट एट डिजिट नंबर में क्या होगा ओनली नाइन इन्वॉल्व होगा सब प्लेसेस पे यून से लेकर हम लोग जा रहे हैं टेन मिलियंस तक प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करके देखो एट डिजिट नंबर कहाँ तक जाता है टेन मिलियंस तक जाता है तो हमारे पास नाइन इन्वॉल्व होगा सभी प्लेसेस पे और ये हमारे पास होगा ग्रेटेस्ट एट डिजिट नंबर और फिर उसने कहा ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है ठीक है ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर क्या होगा उसमें फाइव नाइन इन्वॉल्व होंगे ठीक है तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे अब डिफरेंस मीन्स हमने माइनस करना है बड़ी वैल्यू को हमेशा ऊपर रखते हैं और छोटी को नीचे माइनस करने के लिए स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन अपनी अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें ऊपर पुट करें बड़ा नंबर जो कि एट डिजिट नंबर है और नीचे छोटा वाला नंबर ठीक है सो वी गेट नाइन माइनस नाइन स्टार्ट सप्रैक्शन फ्रॉम यूनिट साइड ठीक है हम अपनी यूनिट साइड से हमेशा अपनी एडिशन और सप्रैक्शन स्टार्ट करते हैं फिर टेन टेन हंड्रेड एंड टू टेन मिलियन तक जा रहे हैं नंबर ठीक है तो नाइन माइनस नाइन वी गेट ज़ीरो अगेन नाइन माइनस नाइन वी गेट जीरो नाइन माइनस नाइन ज़ीरो एंड अप टू यहाँ तक टेन थाउजेंड तक नाइन आ रहे थे ठीक है तो ये सब ट्रैक्ट होकर जीरोज आ गए बाकी जो डिजिट्स रह गए हमने एज इट इज़ नीचे उतार ली ठीक है तो ये हमने डिफरेंस फाइंड कर लिया बी पार्ट में उसने कहा है स्मॉलेस्ट एट डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर के दरमियान आपने डिफरेंस फाइंड करना है ठीक है अब डिफरेंस के लिए फिर हम लोग माइनस ही करेंगे ठीक है पहले तो स्मॉलेस्ट एट डिजिट नंबर देखो ना मैंने आपको बताया उसमें वन एंड जीरो इन्वॉल्व होते हैं एक फर्स्ट पे लेफ़्ट हैंड साइड पे तो जस्ट वन पुट कर दिया उसके साथ काउंट करते जाने ये हो गया फर्स्ट डिजिट टेन सेवन जीरोज़ ऐड करेंगे तो हमारे पास एट डिजिट नंबर बन जाएगा तो ये हो गया हमारे पास स्मॉलेस्ट एट डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर में सिक्स नाइन्थ इन्वॉल्व होंगे ठीक है अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें अब देखो यहाँ पर यूनिट्स से लेकर मिलियन के प्लेस तक ज़ीरोज़ इन्वॉल्व है ज़ीरो में से तो हम कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हमने यहाँ से कैरी लेना स्टार्ट किया वन लिया यहाँ पर टेन बन गया देन हमने यहाँ से यहाँ एक कैरी ले लिया ठीक है यहाँ से यहाँ कैरी लिया टेन आ गया देन हमने यहाँ कैरी ले लिया फिर टेन देन यहाँ लिया एंड देन लेते लेते हम लोग यूनिट्स प्लेस तक चले गए ठीक है यहाँ से यहाँ जब एक कैरी लेते हैं तो पीछे वन लेस हो जाता है और वहाँ नाइन बच जाता है ठीक है तो हमने टेन में से नाइन सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास वन आ गया देन बाकी प्लेसेस में नाइन्स थे नाइन्थ माइनस नाइन इन ऑल अदर प्लेसेस हमारे पास यहाँ पे ज़ीरोज आ गए अब यहाँ पे इसके नीचे कोई नंबर नहीं था सो so हमने एज इट इज़ इसको नीचे उतार लिया सो दिस इज़ द वे टू सब्ट्रैक्ट द बोथ नंबर्स नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नाइन राइज इन वर्टिकल फॉर्म एंड सब्ट्रैक्ट ठीक है ये भी सबट्रैक्शन वाले सब क्वेश्चन है सिक्स पार्ट्स दिए हमें ठीक है एक पार्ट में देखें स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स टेन मिलियंस तक ये डिजिट्स जा रहे हैं ठीक है एट डिजिट नंबर दिए हमें इन दोनों की हमने सबट्रैक्शन करनी है ऊपर हमेशा बड़ा नंबर और नीचे छोटा नंबर लिखते हैं हम सो स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट साइड अगेन यूनिट साइड से हमने अपनी सबट्रैक्शन स्टार्ट करनी है नाइन माइनस थ्री वी गेट सिक्स उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सिक्स था ठीक है तो सिक्स में से तो हम नाइन को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए हमने जिसका नेबरिंग नंबर उसके साथ वाला था हंड्रेड्स प्लेस में नंबर वहाँ से हमने कैरी लिया और यहाँ वन ले लिया ठीक है उसमें से एक वन ले लिया और वहाँ पे फोर रह गए ठीक है तो अब ये हमारे पास सिक्सटीन बन गया सिक्सटीन माइनस नाइन गेट सेवन दैन मूविंग ऑन टू हंड्रेड्स प्लेस अब यहाँ फोर रह गया था ठीक है फोर माइनस टू गेट टू आगे चलते हैं थाउजेंड्स प्लेस में देखो यहाँ पे वन है नीचे नाइन है वन में से नाइन नहीं सब ट्रैक्ट कर सकते सो so हम लोग फिर अगेन साइड से कैरी ले लेते हैं थ्री में से वन इधर कैरी कर लिया और यहाँ पर टू रह गए ठीक है सो इलेवन माइनस नाइन गेट टू टू माइनस टू गेट ज़ीरो अगेन हमारे पास यहाँ पर टू था यहाँ पर एट था तो हमने क्या किया यहाँ से कैरी लिया यहाँ पर एक ले लिया वन यहाँ पर ले लिया और यहाँ फोर रह गए ठीक है अब ट्वेल्थ में से एट माइनस किया तो हमारे पास फ़ोर आ गया फिर यहाँ देखो फोर रह गए थे अब फोर में से सिक्स सब नहीं कर सकते हम फिर यहाँ से एट में से वन कैरी ले लिया हमने तो ये फोर्टीन बन गया ठीक है एक जो फोर पहले रह गया था और एक जो साइड वाले नंबर से उसने ले लिया ठीक है तो यहाँ फोटीन बन गया हमारे पास फोर्टीन माइनस सिक्स वी गेट एट यहाँ सेवन रिमेनिंग था ठीक है सेवन माइनस वन में गेट सिक्स सिमिलरली मैंने बाकी पार्ट सॉल्व किए हैं अब देखें बी एंड सी पार्ट में ऊपर वाला जो नंबर है ये देखो ऊपर वाला नंबर टेन मिलियन तक जा रहा है एट डिजिट नंबर है नीचे वाला फाइव डिजिट नंबर है तो जब हमें फाइव डिजिट नंबर दे दिया जाएगा हमने उसे भी यूनिट साइड से ही प्लेस करना स्टार्ट करना है जैसे हम एक्सरसाइज बारे में सीख कर आए हैं कि हमने अपने नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में हमेशा यूनिट साइड से ही प्लेस करना स्टार्ट करना है ठीक है और हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी इधर से ही राइट right साइड से ही स्टार्ट करनी है ठीक है तो मैंने ये वाले इस वाली इस पार्ट में भी फाइव डिजिट नंबर दिया हुआ था और ऊपर एट डिजिट था और सी पार्ट में उसने सेवन डिजिट नंबर दिया है उसमें से हमने फाइव डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट करना है ठीक है इसको भी यूनिट साइड से ही प्लेस करना स्टार्ट करेंगे नाउ आई विल सॉल्व वन पार्ट फॉर यू हम देखो यहाँ फोर स्मॉल नंबर है और एट बड़ा है तो हमने one carry minus eight, we get six. यहाँ से वन कैरी कर लिया फोटीन माइनस एट वे गेट सिक्स यहाँ ज़ीरो रह गया अब ज़ीरो में से नाइन नहीं सप्रैक्ट कर सकते सो वी गेट कैरी वन फ्रॉम हेयर एंड वी गेट टेन टेन माइनस नाइन वे गेट वन सेवन माइनस टू वे है फाइव दैन अगेन थ्री में से हम सेवन सप्रैक्ट नहीं कर सकते तो so, यहाँ भी ज़ीरो यहाँ भी ज़ीरो हम यहाँ से कैरी करना स्टार्ट करते हैं यहाँ रह गए फाइव यहाँ पे लिया वन देन नाइन लेफ्ट एंड देन यहाँ टेन बन गया ठीक है अब टेन में से वन माइनस सॉरी यहाँ पर टेन रह गया अब यहाँ से आगे तक हमने यहाँ तक लेके आना ठीक है वन अब थर्टीन में से सेवन माइनस करेंगे पहले देन वी गेट सिक्स नाइन माइनस वन वी हैव एट नाइन माइनस फाइव वी हैव फोर अब फाइव में से सिक्स नहीं सब हो सकता हमने यहाँ से कैरी लिया वी गेट फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस सिक्स वी हैव नाइन एंड सेवन एज इट इज़ नीचा जाएगा ठीक है इसी तरह से ये पार्ट में देखो ये एक वन है इसको हमने एंड तक ले जाना है कैरी करके ठीक है तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ज़ीरो लेफ्ट यहाँ टेन हो गए ठीक है देन हम हमारे पास नाइन रहता जाएगा और हम एक वन को आगे लेकर जाते जा रहे हैं ठीक है थीके? और लास्ट पे हमारे पास आ गया टेन अब टेन माइनस टू वी हैव एट नाइन माइनस नाइन वी हैव ज़ीरो नाइन माइनस सिक्स वी हैव थ्री नाइन माइनस फोर वी हैव नाइन माइनस फाइव वी हैव फोर एंड नाइन माइनस फोर वी हैव फाइव अब बाकी के जो नाइन्स रह गए उन्हें हमने ऐसे ही नीचे लिख दिया ठीक है सो इन दिस वे यू कैन सब्जेक्ट टू नंबर सिमिलरली वी हैव एफ पार्ट एफ पार्ट में भी उसने ऊपर दिया है एट डिजिट नंबर और नीचे सेवन डिजिट नंबर दिया है और इन दोनों को हमने सबट्रैक्ट किया है ना क्वेश्चन नंबर सेवन इज़ योर होमवर्क ठीक है वो आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लेना है और जो आज मैंने आपको दो क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपने नोटबुक पर सॉल्व करनी है ओके गुड बाय स्टूडेंट्स